तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यू आर वाचिंग फ्री इंडिया प्रॉपर्टी चैनल। तो आज मैं आपको लेके चलने वाला हूँ गौर सिटीपुर के अंदर एक सोसाइटी, एश्योरियम सोसाइटी होगी है बेसिकली, और ये आपकी एक छोटी टाउनशिप की सोसाइटी है। बेसिकली चार ही टावर की ये सोसाइटी होने वाली है। इसमें एक साइज हमारे पास अभी फ्लैट सेल के लिए आया, जिसका साइज होगा 160 100। टोटल 19 फ्लोर की ये बिल्डिंग होगी हमारी। 19 फ्लोर के अंदर आपको मिड फ्लोर के अंदर ये फ्लैट हमारे पास सेल के लिए अभी अवेलेबल है। जो आप देखने वाले हो ये एक्चुअल फ्लैट हमारा सेल के लिए होगा। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर वीडियो में आपको कोई भी क्वारी होती है तो आपको जो नंबर स्क्रीन पर फ्लक्चुएट हो रहा है, या आप इस पर कॉल करके मुझे डायरेक्ट क्वारी भी रेज कर सकते हो, जो पूछ सकते हो, कुछ पूछना चाहते हो, तो ये इमीडिएटली अवेलेबल है फ्लैट के लिए। तो वीडियो को पूरा देखें और दिए हुए नंबर पर कॉल करें, और वीडियो को स्किप बिल्कुल ही मत करिएगा। अगर आप नहीं देख रहे हैं, आपकी कोई रिलेटिव या रेफरल में कोई देखना चाहता है, तो उसको भी आप वीडियो मेरी शेयर कर सकते हैं। और वीडियो को अगर आपके पास कहीं ना कहीं से पहुंची है, तो वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करिएगा। मिलते हैं वीडियो के अंत में। बाय। तो फाइनली अब हम आ चुके हैं अपने फ्लैट के अंदर। तो फ्लैट के साइज जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था 1600 स्क्वायर फिट। तो ये आपका एंटर करते ही आपको सबसे पहला है ड्राइंग रूम देखने को मिलता है, जिसके साथ ही आपको वेंटिलेशन के लिए प्रॉपर एक बालकनी देखने को मिल जाती है, और जो कि सनलाइट थोड़ी ज़्यादा होने की वजह से बालकनी कवर भी कराई हुई है। तो एक होता है कि सबसे ज़्यादा हाई राइज में प्रॉब्लम लोग फेस करते हैं कि मेरे फ्लैट में धूप नहीं आती। इवन यहाँ पर धूप काफ़ी अच्छी आती है, देखने को मिलती है आपको, तो जिस वजह से बालकनी कवर भी बहुत अच्छी करा रखी है। तो ये आपका डाइनिंग एरिया हो गया। डाइनिंग एरिया के साथ साथ आपको ये प्रॉपर किचन, सेमी फर्निश किचन आपको देखने को मिल जाती है, जो कि टॉप टू बॉटम आपकी बनी हुई है। तो यहाँ पर बहुत अच्छा काम कराया हुआ है। तो आपकी इसके साथ एक यूटिलिटी बालकनी आपकी होगी, जो कि आपकी कवर है। एज अ स्टोरेज आप यूज़ कर सकते हो, या एज आप वॉशिंग के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं फर्स्ट बेडरूम की तरफ। तो फर्स्ट बेडरूम की अगर हम बात करते हैं रूम साइज़ की, तो 10x11 का इसका रूम साइज़ हो जाता है। और इसमें सबसे बड़ी बात, आपको जो बोनस पॉइंट मिलता है, आपको ये बालकनी जो कि इसमें भी आपकी कवर कराई हुई है, जो कि आपके थर्ड बेडरूम यानी कि मास्टर बेडरूम को भी इसमें अटैच करके आपको देती है। तो ये आपकी इसकी फ्लैट की USP हो जाती है कि दो रूम के साथ इसके साथ तरीका अटैच आपको बालकनी देखने को मिल जाती है। तो अब हम आते हैं अपने मास्टर बेडरूम की तरफ। तो मास्टर बेडरूम का साइज़ है आपका 10x11 का रूम साइज़ इसका हो जाने वाला है। तो इसके साथ भी आपको ये भी आपको सेमी फर्निश मिलता है, इसमें भी आपको कवर्ड स्पेस एक्स्ट्रा मिलता है। और ये आपका फर्स्ट वॉशरूम हो गया, तो ये आपका एक वॉशरूम देखने को मिल जाता है अटैच। और अब चलते हैं अपनी बालकनी की तरफ। जो इसकी बालकनी अगर मैं बात करता, तो इसकी बालकनी अपने फर्स्ट बेडरूम की बालकनी को डायरेक्ट कनेक्ट करती है। तो ये आपका फर्स्ट बेडरूम हो गया, ये आपका मास्टर बेडरूम हो गया। तो अब हम चलते हैं इसके थर्ड बेडरूम की तरफ। तो थर्ड बेडरूम के साथ साथ चलते चलते मैं आपको दिखा देता हूँ, इसके साथ एक आपको कॉमन वॉशरूम भी आगे वो आपको देखने को मिलता है। अब इसके राइट में हम चलते हैं अपने थर्ड बेडरूम की तरफ, जो कि इस फ्लैट का सबसे बड़ा रूम साइज़ होने वाला है, जो कि 11x13 का रूम साइज़ जिसका दिया हुआ है। तो इसके साथ आपको देखने को मिलती है एक और बालकनी आपकी, ये आपके फ्लैट की फोर्थ बालकनी होने वाली है, जो कि आपको कुछ ऐसा व्यू प्रोवाइड करने वाली है। तो आप देखेंगे इस फ्लैट के साथ सबसे बड़ी बात यह कि आपको ओपन एरिया, ओपन स्पेस आपको बहुत अच्छा देखने को मिल जाता है, जो कि आपका व्यू को बिल्कुल ब्लॉक नहीं करने वाला है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप तो मिलते हैं फिर बाद में आपको एक और नई वीडियो के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।